हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? कैसे हैं आप लोग? मैं आज आपको बता रही हूँ कि आप घर बैठे कमाई कैसे कर सकते हो बिना कोई लाइसेंस लिए या बिना कोई फीस पे किए। इसके लिए कोई ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई एज की भी बार नहीं है। आपको चाहे कोई भी एज हो, बस आपको थोड़ी एजुकेशन की ज़रूरत है। एंड ऑनलाइन साइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, या फिर सोशल मीडिया, जो आजकल हर किसी को नॉलेज है सोशल मीडिया के बारे में। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम है जैसी चीज़ें आपको अगर नॉलेज में है, या थोड़े भी लोग आप उसमें जान पहचानते हैं, बाद में आप कॉन्टैक्ट्स बढ़ा ले सकते हैं जैसा आपका बिज़नेस स्टार्ट होता है। तो मैं आपको आज बता रही हूँ कि आप घर बैठे कैसे इनकम कर सकते हैं। 25,000 से 50,000 अर्न कर सकते हैं आप, बगैर किसी ज़्यादा पढ़ाई के, एजुकेशन के। बस आपको सुबह में दिन भर में 1-2 घंटे देना है बस, तो आप इंशाल्लाह ताला आप कमा सकते हो अच्छी खासी कमाई घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन पर ही। आपको इसके लिए कोई कंप्यूटर की या लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल फ़ोन से ही इसे जब भी आप फ्री टाइम मिले आप इस पर वर्क कर सकते हो। बहुत आसान है ये। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो कंपनी है अमेज़न, जिसके CEO है जेफ बेजोस, इन्होंने ये कंपनी US में इस्टेब्लिश की है 1994 में। तो ये ई कॉमर्स कंपनी है ये, एंड दुनिया के 4 बड़े कंपनियों में इसका नाम आता है, जैसे कि एप्पल है, गूगल है, फेसबुक है, एंड अमेज़ॉन इज़ 4th वन। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है। ये ऑनलाइन वेबसाइट है इसकी amazon.in इंडिया में, एंड इस पे बहुत सारे सेलर्स है, नियरली 20,000 सेलर्स है। एंड ये बहुत जगह इसके 41 फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं अक्रॉस 13 स्टेट्स इन इंडिया। इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें आप मार्केटिंग कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग यानी आप ऑनलाइन ही करना है इसे, घर जाकर या मार्केट में या कहीं जाकर करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही आप सोशल साइट्स पे कर सकते हैं इसकी मार्केटिंग। बस ये कैसे स्टार्ट करना है, इसके लिए आपको कोई चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ एक मोबाइल फ़ोन काफ़ी है। इसमें अच्छे से इंटरनेट होना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसका फॉर्म कैसे भरना है और ये इसका आगे का प्रोसेस कैसा है। तो आप कंटिन्यूस देखिए, वीडियो आखिर तक देखिए, ताकि आपको अगर ये स्टार्ट करना है मार्केटिंग और आपको अच्छी खासी कमाई करनी है घर बैठे, तो आप वीडियो आखिर तक देखिए और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। तो आपको मैं फॉर्म बता रही हूँ इसके बाद। तो आपको ये वेबसाइट पे जाना है, amazon.in पर जाना है। इसके बाद आप क्या कीजिए, साइट पे जाना है, amazon.in पर जाना है। इसके बाद आप क्या कीजिए, ये डेस्कटॉप साइट पे जाइए, इसको डेस्कटॉप पे कर लीजिए। ये डेस्कटॉप साइट आ गई है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये पेज का लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से भी जा सकते हो इस साइट पे। आप ये पेज के नीचे आ जाइए, उसके बाद नीचे बिकम एन एफिलिएट यहाँ पर मिलेगा आपको ऑप्शन, बिकम एन एफिलिएट, इस पर क्लिक कीजिए आप। उसके बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा, रिकमेंड प्रोडक्ट, अर्न एडवर्टाइजिंग फी, साइन अप, रिकमेंड, अर्न। ये है आपका प्रोडक्ट के स्टेप्स। अमेज़न एसोसिएट्स, यहाँ पर हमें साइन अप करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी अमेज़न का अकाउंट है तो आप उस पर भी कर सकते हो ये अकाउंट एफिलिएट मार्केटिंग का, या फिर आप न्यू क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, जो भी आपका ईमेल आईडी है। यहाँ पर है एक ऑप्शन, क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट, इस पर क्लिक कर लीजिए आप। यहाँ पर आपका नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड अपडेट कर दीजिए। यहाँ पर OTP एंटर कर दीजिए जो आपके ईमेल आईडी पे आया होगा।
अभी ये नेक्स्ट पेज आया है हम लोग का, यहाँ पर योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप अच्छे से करेक्ट डिटेल्स फिल कीजिए, जो भी आपके पेमेंट डिटेल्स है, एड्रेस है, ताकि आपको बाद में पेमेंट मिलने के लिए परेशानी ना हो। व्हाट इज़ द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट? दिस पे लिस्टेड अबाउ समवन एल्स। अगर आपके खुद के डिटेल्स दे रहे हैं आप, तो द पे लिस्टेड अबाउ लिख लीजिए। फॉर US टैक्स purposes, आर यू ए US पर्सन? नो। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। एंटर योर वेबसाइट, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उसका लिंक दे दीजिए यहाँ पर। और आपकी कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट दे दीजिए, या फिर अगर कोई आपका फेसबुक पेज का यूआरएल है तो वो डाल दीजिए, या फिर इंस्टाग्राम का या ट्विटर का, जो भी आपका यूआरएल है वो डाल दीजिए आप। लेटर यू कैन चेंज इट। आपका जो भी ओरिजिनल वेबसाइट आप बाद में बनाएंगे तो आप बाद में चेंज कर सकते हो, अगर या फिर अगर अभी है तो अभी डाल दीजिए। तो आप अभी अगर आपके पास कोई वेबसाइट ना हो तो आप फेसबुक का लिंक दे दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर प्रोफाइल है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन हमने कर लिया है, वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप लिस्ट, जो भी आपके पास मोबाइल ऐप्स वेबसाइट के लिंक से पूरे डाल दीजिए आप। देन नेक्स्ट कम्स प्रोफाइल। इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ रीड दिस इंस्ट्रक्शन बिफोर यू फिल दिस फॉर्म। व्हाट इज़ योर प्रिफर्ड एसोसिएट्स आईडी? तो आपको अगर कोई प्रिफर्ड आईडी अगर आपको लेना है तो आप वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स बेस्ट डिस्क्राइब योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप? तो अगर आप अगर डिसाइड अभी नहीं किए कि कौन सा प्रोडक्ट आपको सेल करना है, कौन सी मार्केटिंग करना है, तो अभी आप फॉर्म फिल करना है, इसीलिए आप अभी अदर ले लीजिए। सेलेक्ट सेकेंडरी, इसमें भी आप क्या कीजिए, अदर्स ले लीजिए। व्हाट टाइप ऑफ अमेज़न आइटम्स डू यू इंटेंड टू लिस्ट ऑन योर वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप कौन सी चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मूवीज, गेम्स, क्लोथिंग, शूज, ज्वेलरी, ग्रॉसरी, हेल्थ एंड बेबी, कंप्यूटर्स एंड ऑफिस, होम्स एंड गार्डन्स? तो आप इसमें क्लोथिंग, शूज एंड ज्वेलरी सेलेक्ट कर लीजिए, बाद में आप चेंज कर सकते हो इसे सब। What type are your websites or mobile apps? Primary, आपकी वेबसाइट के बारे में पूछ रहा है ये क्या टाइप है, वेब पोर्टल है या नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरर, ऑथर, कूपन्स और डील्स? इस पे अदर क्लिक कर लीजिए, आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है ये भी अदर सेलेक्ट कर लीजिए। ट्रैफिक एंड मोनेटाइजेशन, हाउ डू यू ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट? आप लोगों को अपने पेज तक यानी अपनी मार्केटिंग के बारे में कैसे बताओगे, आप उनको अपने पेज पे कैसे ड्राइव करोगे? तो ये पूछ रहा है, पेड सर्च, ईमेल के थ्रू करेंगे, या शॉपिंग पोर्टल, या फिर ऑफलाइन कॉल्स के ज़रिए, या फिर अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए, या फिर डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, सोशल नेटवर्क्स, फोरम्स, रिबेट? तो आप इसको सोशल नेटवर्क्स कर लीजिए, क्योंकि सारे वेबसाइट्स जितने भी सोशल नेटवर्क्स हैं उसी में आते हैं। हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट्स एंड ऐप्स टू जनरेट इनकम? अदर अफिलिएट प्रोग्राम सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर भी अदर अफिलिएट प्रोग्राम। हाउ डू यू यूजुअली बिल्ड लिंक्स?
HTML एडिटर, या फिर अदर कर लीजिए आपको अभी अगर कोई भी आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो। हाउ मेनी टोटल यूनिक विजिटर्स डू योर वेबसाइट्स, यहाँ पर कितने लोग विजिट करते हैं पर मंथ, तो यहाँ पर आप मिनिमम 500 से 5000 दे रहा है तो हम यही सेलेक्ट कर लेंगे कम से कम। व्हाट इज़ योर प्राइमरी रीज़न फॉर जॉइनिंग द अमेज़न एसोसिएट प्रोग्राम, टू मोनेटाइज माई साइट, अदर। अदर सेलेक्ट कर लीजिए। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, ऑनलाइन सर्च फ्रॉम द अमेज़न डॉट इन साइट, ऑनलाइन सर्च कर लीजिए आप, या फिर अमेज़न साइट लेना है तो वो भी ले ले सकते हैं आप। फिर यहाँ पर बाय टाइपिंग द कैरेक्टर्स, यहाँ पर ये जो कैरेक्टर्स है ये टाइप कर लीजिए फॉर, ताकि ये कंफर्म कर सकें कि ये कंप्यूटर नहीं ह्यूमन ही है जो ये सब सारे डिटेल्स फिल कर रहा है। यहाँ पर यू एग्री टू द टर्म्स पे क्लिक कर लीजिए, उसके बाद फिनिश। तो यहाँ पर देखिए हमारा कॉन्ग्रेट्स, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू द अमेज़न इन एसोसिएट प्रोग्राम, योर एसोसिएट आईडी। तो यहाँ पर हमारी एसोसिएट आईडी आ गई है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर आ रहा है नेक्स्ट, एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन, ये आप चाहे तो अभी भी फिल कर सकते हैं, या तो फिर आप अगर एक बार चेक करना चाह रहे हैं कि आप कितनी मार्केटिंग करते हो, या फिर आपसे हो पाएगा या नहीं, जैसे भी हो आप बाद में सोच कर डाल सकते हैं इसे, नाउ एंड लेटर, चाहे तो अभी डाल सकते हो चाहे बाद में डाल सकते हो। इसमें आपके, मैं आपको यहाँ पर ओपन करके बताऊँगी, ये लॉग इन पूछ रहा है, यहाँ पर आपके बैंक डिटेल्स रहेंगे, तो आप बैंक डिटेल्स बाद में फिल कर सकते हो। तो ये हमारा पेज आ गया है, यहाँ पर आपका आईडी बन चुका है और ये आपका पेज है एसोसिएट अमेज़न एसोसिएट सेंट्रल। ये देखिए अमेज़न एसोसिएट्स, होम, प्रोडक्ट लिंकिंग, विजिट्स, प्रोमोशंस, टूल्स, रिपोर्ट्स, ये हमारा आईडी है। अब ये देखिए ये पेज पर हम आ गए हैं लॉगिन करने के बाद। यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो आपके यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन जो भी है आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इनकम टैक्स स्टेटस इनकम्प्लीट, तो आप इंडियन करंट टैक्स स्टेटस, या आप बाद में भी फिल कर सकते हो जब आप, वंस यू स्टार्ट योर सेलिंग, वंस यू स्टार्ट अर्निंग, आप यहाँ पर ये सब डाल सकते हो, इंडिविजुअल है या बिजनेस है, इंडिविजुअल डाल दीजिए आप यहाँ पर, परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए आपका, सेलेक्ट योर कंट्री रीजन इन एंड प्रोवाइड योर पैन नंबर, ये सारी डिटेल्स एक बार आप फिल करके इसे सबमिट कर दीजिए। अभी मैंने नहीं किया है ये, तो बाद में भी कर सकते हो। अगर आपको आपका चेंज योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चेंज करना है, या पेमेंट मेथड व्यू, या पेमेंट प्लान व्यू, या पेमेंट हिस्ट्री, या चेंज योर पासवर्ड, एडिट योर वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप, एडिट योर वेबसाइट इन्फॉर्मेशन, जो मैंने बताया था आपको कि वेबसाइट आप बाद में ऐड कर सकते हो इसमें, या फिर आपके कोई और सोशल साइट्स ऐड हुए हैं तो आप वो भी इसे एडिट करके ऐड कर सकते हो,
मैनेज योर ट्रैकिंग आईडीज, मैनेज अकाउंट यूजर्स एंड सेलेक्ट, चेंज योर ईमेल एड्रेस, एसोसिएट साइट स्ट्रिप ऑप्शंस, क्लोज योर अकाउंट। अगर आपको आपको अगर क्लोज भी करना है अकाउंट, तो क्लोज योर अकाउंट भी कर सकते हैं। यहाँ विजेट्स है, योर पिक सर्च फ्लैश अदर विजेट्स, प्रोमोशंस, प्रोमोशंस में आपको यहाँ पर प्रोमोशंस पे क्लिक करने से डेली आपके प्रोमोशंस जो भी है, इसमें आइडिया हब है, जो भी अगर वेबसाइट पे अमेज़न की वेबसाइट पे जो भी प्रोमोशंस डेली हो रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर कौन से प्रोडक्ट्स पे आज के लिए टुडेज़ डील जो भी ऑफर्स आ रहे हैं, डेली डेली यहाँ पर ऑफर्स आते रहते हैं, तो हमको सारे ढूंढने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमको ये ऑप्शन क्लिक करने से हमको पता चल जाएगा कि ये सारे प्रोडक्ट्स, ये सारे बिजनेस जो भी इसमें एनरोल है, उन्होंने ये प्रोडक्ट पे ये ऑफर्स रखे हैं। तो हमको इजीली प्रमोट करने के लिए जो भी ऑफर्स हैं वो ज़रा थोड़ा जल्दी मूव हो जाते हैं, ज़रा ज़्यादा सेल होते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट पे ऑफर्स है या डिस्काउंट्स हैं, वो आप जल्दी जल्दी आप इसका एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो फ़ोन है, लिमिटेड टाइम डील 899, 499, ये है देखिए, स्टार्ट डेट अगस्त 8, एंड डेट। तो यहाँ पर जितने भी लोग अलग अलग डील्स हैं उनके सारे ये पेज पे जितने भी लोगों ने ऑफर्स रखे हैं या डील्स रखे हैं, ये आपको ईजिली फाइंड आउट हो जाते हैं। यहाँ पर आप यहाँ से डायरेक्टली आप ये देखिए, इसके ऊपर भी डील है, ये सारे प्रोडक्ट्स पे डील है आपको, लिमिटेड डील फॉर अ सिंगल डे फॉर 8th अगस्त, एक दिन के लिए ही है ये। जितने भी मोबाइल फ़ोन्स है, रेडमी नोट 8 मोबाइल फ़ोन्स है, जो भी आपके कुकिंग आइटम्स है या कुकिंग रेंज है, जिस पे भी ऑफर्स है, यहाँ पर इजी अवेलेबल है। आप इजी इसी को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए प्रोडक्ट पे, अगर आपको यहीं से करना है तो। उसके बाद आप फिर वापस डेस्कटॉप साइट पे जाइए, तो आपको सोशल साइट पे ये लिंक कैसे शेयर करना मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको समझिए ये प्रोडक्ट लोगों को बताना है, एडवर्टाइज़ करना है, और इस तो आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये डिटेल्स आ गए हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिए। आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, ये देखिए मैंने ये डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लिया है। इसके बाद आप ये एक ऑप्शन है यहाँ पर, टेक्स्ट में शॉर्ट लिंक आता है, इमेज में टेक्स्ट एंड इमेज दोनों आते हैं। उसके बाद आपके पास और एक ऑप्शन है, शेयर ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। तो आप यहाँ से ये क्लिक करने पर डायरेक्टली आपको फेसबुक पे चले जाएगा यहाँ से। तो मैं यहाँ फेसबुक पे यहाँ पर क्लिक करती हूँ, फेसबुक पे मैंने क्लिक किया है, तो ये सीधा डायरेक्टली मुझे फेसबुक के पेज पर लेकर चले गया है। ये देखिए, इसका लिंक मैंने फेसबुक पे क्लिक किया था, सिर्फ वो प्रोडक्ट ओपन करके फेसबुक पे क्लिक करना है। उसके बाद मैंने जो डिस्क्रिप्शन कॉपी किया था वो पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर कुछ स्पेशल अलग से लिखना है, जहाँ ताकि आपकी ट्रैफिक आपके ये पेज की तरफ इंटरेस्ट ले, या फिर आपके पोस्ट की तरफ इंटरेस्ट ले, तो आप इसके लिए आप लिख सकते हैं कि अमेज़ॉन टुडेज डील 70% ऑफ, या फिर जो भी आपको लिखना है, 70% ऑफ, या फिर टुडेज बेस्ट डील, डिस्काउंट 스페셜 एक्स्ट्रा डिस्काउंट फ्रॉम बैंक एंड एक्स्ट्रा
20% डिस्काउंट, या आप जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं ताकि आपकी पोस्ट की तरफ लोग इंटरेस्ट लें। यहाँ पर लिख लीजिए आप, ये आ गया, ये पोस्ट है आपका, इसको पोस्ट पे क्लिक कीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये पोस्ट आपको कैसा दिखेगा। ये देखिए, ये जो हमने लिखा था ये पेज पे ऐसा ऐसा बताएगा आपको, ये फ़ोन के साथ। तो जब कोई बंदा ये पोस्ट में इंटरेस्ट होगा या फिर ये प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होगा, ये यहाँ पर जब क्लिक करेगा, इसको डेस्कटॉप साइट पे लाएंगे, तो ये सीधा आपके मार्केटिंग पेज पे आ जाएगा, ये यानी आपके आईडी पेज पे आ जाएगा। तो अब जब भी वो, अगर उसको ये लेना है फ़ोन, अगर वो तो यहाँ पर ऐड टू कार्ट करेगा वो, तो सीधा आपके आईडी में ही आएगा ये। ये साइड स्ट्रिप है, इसके बारे में आपको बताती हूँ। साइड स्ट्रिप है ये, टेक्स्ट इमेज, फेसबुक, ट्विटर। आप अगर वो फेसबुक पर नहीं देना चाह रहे हैं, कोई और जगह पे आप पोस्ट करना चाह रहे हैं, तो टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपको लिंक आएगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। शॉर्ट लिंक है ये, कॉपी कर लीजिए। अगर आपको इसे व्हाट्सएप पे डालना है तो व्हाट्सएप पे इसे पेस्ट कर दीजिए। आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना है तो इसे पेस्ट कर दीजिए, ये से चलेगा जाएगा। तो जब भी किसी कोई अगर इंटरेस्ट होगा या लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा आपके मार्केटिंग पेज पर आएंगे, और इसका सारा रेवेन्यू, जो भी कमीशन है या डिस्काउंट है, जो भी इसकी अमेज़न फ़ीस है, आपको मिल जाएगी। तो लिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, आपका लिंक देना ज़रूरी है। ये जो आपके साइट स्ट्रिप पे आएगा लिंक, टेक्स्ट, इमेज, ये इम्पॉर्टेंट है, यही आपको देना है। सीधा amazon.in से आप विदाउट लॉगिन अगर आप देंगे तो आपको रेवेन्यू आपके अकाउंट में नहीं आएगा, आपका डिस्काउंट, आपकी फ़ीस आपको नहीं आएगी। आपको यहीं से देना है लिंक, टेक्स्ट, इमेज, या फिर फेसबुक पे अगर शेयर करना है तो ये लिंक्स है, अगर नहीं तो आप ये टेक्स्ट का ही लिंक आप दे दीजिए, किसी को भी देना है तो। तो जब भी वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा आपके पेज पे आएंगे, और इसकी जो है मार्केटिंग फ़ीस, एडवर्टाइजिंग फ़ीस होगी, वो आपको ऑटोमेटिक, आप जब वो परचेस करेंगे तो सीधा आपके अकाउंट में ही वो फ़ीस आएगी। इसके बाद मैं और एक चीज़ बताती हूँ, अर्निंग्स। यहाँ पर एक ऑप्शन है, अर्निंग्स है, ये जब तक हम सारी डिटेल्स नहीं फिल करेंगे तो ये ऐसे ही आएगा, लेकिन आप जब, वंस यू स्टार्ट द बिज़नेस, जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ेंगे तब आप फिल कर लीजिए वो, अभी इतनी ज़रूरत नहीं है उसको फिल करने की। उसके बाद जैसा आपका ये समरी है, आपके रिपोर्ट समरी है, समरी, फीस, बाउंटीज, ये क्लिक्स है, जैसा आप समझिए फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं और कोई आपका लिंक वहाँ से ओपन कर रहा है और आपके लिंक के थ्रू साइट पे जा रहा है, साइट विज़िट कर रहा है, तो जितने बार भी जितने लोग क्लिक्स करेंगे यहाँ पर नंबर्स आपको जनरेट होंगे। सपोज़ 10 लोगों ने आपका लिंक ओपन किया है तो 10 क्लिक्स आएंगे यहाँ पर, या 100 लोग या 200 लोग जितने भी आपके लिंक के थ्रू अमेज़ॉन पे जाएंगे या विज़िट करेंगे तो ये क्लिक्स यहाँ पर काउंट होंगे। तो डेली आप चेक कर सकते हो कि आपका लिंक कितने लोगों ने ओपन किया है, आपको पता चल जाएगा कि आपका लिंक कोई विज़िट भी कर रहा है, कोई ओपन भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे आपको पता चल जाएगा। ये ऑर्डर्स हैं, ये शिफ्ट, कोई आपका प्रोडक्ट आपके लिंक के थ्रू ख़रीदता है तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर आ जाएंगे, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, शिफ्ट आ जाएगा। उसके बाद कन्वर्जन आ जाएगा, कितने परसेंट कन्वर्ट किया है ना आपने बिज़नेस को। उसके बाद यहाँ पर अर्निंग्स आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रेफरल्स, अर्निंग्स टोटल। तो यहाँ पर और ऑप्शंस भी है, परफॉर्मेंस टिप्स,
जैसे जैसे आप अभी तो आप नए हैं, तो मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाह रही हूँ। आप परेशान हो जाएंगे कि ये सब क्या है। ये सब आपके हेल्प करने के लिए है। अमेज़न वाले आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे ग्रो कर सकते हो, ऐसे एडवर्टाइज मार्केटिंग कर सकते हो। ये आपका ग्राफ है, क्लिक्स का ग्राफ है। आप जैसे ग्रो कर रहे हो तो आपको ये ग्राफ बताएगा कि आप कितना ग्रो कर रहे हो, नहीं तो आपका ग्राफ डाउन बताएगा ये पूरा। तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए घर बैठे, आपको कुछ एक्स्ट्रा लगाना नहीं है इसमें, कोई आपको एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है आपको, ना कोई लाइसेंस लेना है आपको, ना कोई इसके लिए शॉप खोलना है आपको, ना कोई बाहर फिरना है आपको, ना धूप में, ना छाँव में, ना बारिश में। बस घर बैठे एक दिन में 2 घंटे दे दीजिए, बस आपके थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए। आपको आपको घर बैठे अच्छी खासी इनकम हो जाएगी इंशाल्लाह। स्टार्टिंग में आप परेशान मत होइए कि कोई क्लिक्स नहीं आ रहे हैं या कोई सेल नहीं हो रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगा। जैसे जैसे आप आपके क्लिक्स बढ़ेंगे, 1,000, 2,000, 5,000 क्लिक्स होंगे, तो जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि आप ऑफर्स दे रहे हैं, अच्छे आपके अच्छे ऑफर्स है, मीन्स टोटली डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रोमोट कर रहे हो प्रोडक्ट को, आप कैसे एडवर्टाइज़ कर रहे हो। जैसा हम एडवर्टाइजिंग पे कोई भी दूसरी चीज़ हम जब ख़रीदते हैं तो एडवर्टाइजिंग हमको अपने तरफ खींचती है, तो हम वो प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं। तो वैसे ही हम अगर अच्छी एडवर्टाइजिंग करेंगे, मीन्स अच्छा प्रोमोशन करेंगे अपने पेज का, अपने प्रोडक्ट्स का, तो लोग वैसे ही आपके प्रोडक्ट्स पे अटेंशन देंगे। तो देखिए आप ये स्टार्ट ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करने में क्या जा रहा है इसमें, तो आपके कोई पैसे भी नहीं लग रहे हैं, पर उल्टा आपको इनकम के सोर्सेस आपके ओपन हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि अभी तो बाहर जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ये ज़रूर वर्क करेगा। आप देखिए, आप चाहे हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, या घर बैठे मम्मी डैडी जो भी है, सिर्फ थोड़ी सी सोशल नेटवर्किंग सोशल नेटवर्क्स होने चाहिए, तो आप इंशाल्लाह ताला ज़रूर इसमें कामयाब होंगे। तो अगर आपके कोई सवाल है, या बीच में अगर कुछ मुझसे छूट रहा है, अगर फॉर्म में अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फॉर्म में कहीं रुक गए हैं, तो मैं ये पेज का लिंक दे रही हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वो लिंक पे क्लिक कीजिए और फॉर्म फिल करना स्टार्ट कीजिए। आप देखिए, अगर आप कहीं पे आप परेशानी हो रही हो आपको फॉर्म फिल करने में, या कहीं पे रुकावट हो रही हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। मैंने भी ये स्टार्ट किया है तो मुझे फ़ायदा हो रहा है इससे, तो मैंने सोचा कि अपने भाई बहन, दूसरे लोग जो भी हैं, सबको फ़ायदा होना चाहिए। सो आई रिकमेंड, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इसमें कोई ख़र्चा नहीं है। लड़के लड़कियाँ, बूढ़े बड़े, जवान, कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप स्टार्ट करके देखिए, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मुझे बताइए कि वीडियो कैसे लगा, ताकि मैं आगे और भी ऐसे वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस आपको बता सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे बताइए, ताकि मैं और भी वीडियोस ऐसे बता सकूं जहां पर वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस है, जहां पर आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हो घर बैठे। तो आप सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर मेरा चैनल, और आपके फ्रेंड्स को भी बताइए इसके बारे में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।